नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त चाइना में और मेरा चल रहा है क्वारंटाइन। यहाँ पर 11 डेज का क्वारंटाइन होता है। इससे पहले 11 डेज में 24 आवर्स से काउंट होता है, नाइट काउंट नहीं होती। इससे पहले मैं हांगकॉन्ग में क्वारंटाइन था 3 डेज, और यहाँ पर अभी मेरे 24 आवर कंप्लीट नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई होटल आपको चॉइस का नहीं मिलेगा। जहाँ मर्जी, मतलब जहाँ स्पेस होगा, बिल्कुल आप देख सकते हो ना मेरे पीछे, ये बिल्कुल लास्ट है। अगर आपको हिल स्टेशन दिख रहा है, पहाड़ियाँ वगैरह दिख रही हैं, बिल्कुल लास्ट है ये, बिल्कुल लास्ट पे हूँ मैं, मतलब सिटी के। और इसके अलावा भी मेरा लंच आया, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है। ये हमारा रूम है जो हमें मिला है, और ये हमारा लंच आया। इसको देखते हैं क्या देते हैं लंच में। बाकी यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं, अकेला रहना पड़ता है, और व्हाट्सअप भी काम नहीं करता है कुछ भी, पानी की बॉटल्स वगैरह। और नूडल्स पता कौन सी देते हैं, ऐसे बीफ, क्या लिखा हुआ है, बीफ, खाने में आ सकता है। आज देखते हैं लंच में क्या आया हमारे लिए, लंच में देखते हैं क्या आया और कैसा खाना मिलता है। मतलब आप उम्मीद लगा सकते हो चाइना के खाने की। ये क्या दिया इन्होंने, दही है ये तो, चॉपस्टिक वगैरह, गुड, यस ये स्पाइस चिली है जिसको चिली चाहिए। देन ये राइस है। राइस के अलावा आप देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्योंकि मुझे एक ही हाथ से वीडियो बनानी पड़ रही है, एक ही हाथ से सारे काम करने पड़ रहे हैं। कोशिश करता हूँ इसके फोन को, ये निकल गया। इसमें कुछ भी निकल सकता है, ये नहीं, चॉइस नहीं होगी आपकी क्या वेज चाहिए, कुछ भी आ सकता है। आप देख रहे हैं क्या आया मेरे लिए, चेक करता हूँ मैं। फिश, वो अच्छा, ये वेजिटेबल्स हैं, बट ये ना बिल्कुल ही वो होते हैं, क्या नाम है, बिल्कुल ही कैसे कहते हैं इन्हें, सॉल्ट नहीं होता इनमें, सॉल्ट या स्पाइसी कुछ भी नहीं होता इनके अंदर, सॉल्ट स्पाइसी कुछ भी नहीं होएगा इनके अंदर, बिल्कुल ही फीके होते हैं ये खाना। और टेस्ट करता हूँ ये क्या चीज़ है, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। ये क्या चीज़ दी है इन्होंने हमें इसके अंदर, खाने के अंदर चिकन है ये, और ये है आपका पोटैटो, इसके अंदर भी कुछ है, चेक करना पड़ेगा क्या है, ये पता नहीं चलता है, कुछ भी मिक्स कर देते हैं, पता नहीं चल रहा है किस चीज का मीट है। ये तो फिश है श्योर, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देख दो पालक, इंडिया में जो नखरे करते हैं देखो, यहाँ नखरे चलेंगे नहीं, ये सब खाने को मिलता है यहाँ। अगर आप ये सब खा सकते हो, क्वारंटाइन झेल सकते हो, तो आप लोग चाइना आ सकते हो। ये राइस है, अब ये ऐसे खाते हैं, मतलब आपको क्या बताऊं मैं, अब ऐसे, बट बिल्कुल ही फीका खाना होता है, नमक का तो नाम भी नहीं होता इसमें। तो आज तो लंच में यही आया, बट चेयर वगैरह इन्होंने दे रखी है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं, कैसे मर्जी काम कर लो। तो अभी मैं यहाँ पर 1 तारीख तक क्वारंटाइन में हूँ, उसके बाद मैं जा सकता हूँ कहीं बाहर। तो आपको चाइना से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग चाइना जाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, काम के लिए, उन्हें पता होना चाहिए जाने से पहले। ये तो एक ट्रेलर है, इससे पहले जो जो चीज़ें हुई है ना, वो आपको फिर मैं डिटेल में बताता हूँ। थैंक यू।